छात्र सतीश टेवानी, डीआरबी सिंधु महाविद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो एमकॉम, एमफिल, बीएड और पीएचडी। मैंने करीबन 2 किताबें लिखी है और कहीं कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दिया है, पेपर्स का कॉन्फ्रेंस पेपर, रिसर्च पेपर सबमिट किए हुए हैं। मैं डॉक्टर आनंद गुरुमल धरानी, दादा रामचंद बापू सिंधु महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल पद पर मेरी नियुक्ति हुई है और मैं पिछले 31 सालों से कॉलेज को सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। मैंने कोर्स से रिलेटेड 10 किताबें लिखी है और कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। और मेरे जो क्वालिफिकेशन है एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी, बीएड, एमफिल और पीएचडी है। सर, आज की शिक्षण व्यवस्था में सर आपके क्या विचार हैं? आज की शिक्षण व्यवस्था में ऐसा है कि जैसे देखा गया है कि जो बोला जाता है कि जैसे नींव का पत्थर पहले जो रखा जाता था कि नींव का पत्थर हमेशा कभी भी बहुत मजबूत होना चाहिए, परंतु आजकल देखने में ऐसा आया है कि जो नींव का पत्थर है वो बहुत कमज़ोर है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा अमेरिकन शैली उपयोग में लाई जा रही है कि पहले जैसे वहाँ पर बोला जाता है कि 5th तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, उसको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाता है, परंतु वह शैली यहाँ पर उतनी अप्लीकेबल नहीं है। वहाँ का सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में बहुत फर्क है कि वहाँ पर उतनी पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है। तो उसकी वजह से जो पहले प्रथा हुआ करती थी, परंपरा जो कि एग्ज़ाम होती थी KG 1 से लेकर नर्सरी से लेकर एग्ज़ाम हुआ करती थी, एग्ज़ाम होते होते जो पास होते थे बच्चे वो आगे प्रमोशन उनका होता था, नेक्स्ट क्लास में जाते थे। तो वैसा एक्चुअल होना चाहिए, वही प्रथा रहनी चाहिए तो ज़्यादा अप्लीकेबल रहेगी। अगर जैसे बच्चों को ऐसा खुला छोड़ दिया गया कि आपको पढ़े या नहीं पढ़े, एग्ज़ाम दिया नहीं दिया तो भी पास हो जाते हैं, उनको मालूम पड़ गया है कि हम ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ईयर में, तो जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ने की जो इच्छा तमन्ना है वो ख़त्म होती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि वो सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया जाए। सर, मेरा ऐसा कहना है कि आजकल की जो शिक्षा है वो रोजगार पूरक नहीं है, रोजगार पूरक शिक्षा होनी चाहिए और उसमें कौशल्य को प्राधान्य दिया जाना चाहिए। जैसे अभी हमारी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहते हैं जो रोजगार पूरक शिक्षा हो, कौशल्य प्रधान हो, जिससे कि हमारे बच्चे नौकरी के लिए इधर उधर दर दर नहीं भटकें। उनको जब वो कौशल्य प्रधान शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी डिग्रियाँ उनकी बेकार हो ही नहीं, उनको अपने आप काम मिलेगा। वे अगर कुशल होंगे, कोई भी कार्य करने के लिए स्किल्ड होंगे तो ऑटोमेटिक उनको रोजगार मिलेगा और उनके शिक्षा जो शिक्षित व्यक्ति होंगे और कौशल्य प्रधान होंगे तो उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से वे कार्य क्षमता से कार्य कर सकते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। सर, आज जो बेरोजगारी ये हो रही है, बढ़ रही है, डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसमें भी मेरा यही फोकस ज़्यादा है कि कौशल्य विकास को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर शिक्षा दी जा रही है, जैसे मेरे मित्र ने बताया डॉक्टर टेवानी ने, कि डिग्रियां ही सिर्फ उद्देश्य हो गया प्राप्त करना बच्चों का, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो शिक्षा में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए ताकि वे सिर्फ क्लरिकल नौकरी के पीछे नहीं भागे। ऐसा कुछ उनको सिखाना चाहिए, जैसे हमारे कॉलेज में वोकेशनल कोर्सेस है, MCVC है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, DMLT का कोर्स है और इंश्योरेंस है, तो वहाँ के बच्चे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और उनको नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना छोटा मोटा व्यवसाय जो करते हैं। और इसके लिए भी हमारे यहाँ दूसरे और प्रोग्राम्स, जैसे एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है ताकि बच्चों को टैली सिखाया जा सके और उनको ऑटोमेटिक जब वे मार्केट में जाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो उनको ऑटोमेटिक उनको रोजगार उस माध्यम से मिल सके। ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज कॉलेज का प्रयत्न है कि शुरू किए जाएं और शुरू किए भी गए हैं और ताकि बच्चों को रोजगार मिलने में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना। सर, आज की जो इंटरनेट की व्यवस्था है
इससे आपको क्या लगता है कि आज के एजुकेशन सिस्टम में इससे को हानि हुई है, इसका फ़ायदा कुछ है? इंटरनेट के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम है वह एक तो इंटरनेट अगर अपने को लगाना है तो उसके लिए मोबाइल या तो लैपटॉप होना चाहिए, परंतु इंटरनेट की एजुकेशन एक ऐसी है कि वहाँ पे आप अकेले बैठ के और उसके थ्रू या कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो वर्चुअल क्लासेस होते हैं, कोई दूसरे देश में बैठा है एक अच्छा टीचर एक अच्छा लेक्चर और अपन किसी और देश में बैठे हैं तो वहाँ से उसकी क्लासेस अपन कर सकते हैं उसके अटेंड और वो अच्छा भी रहता है। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं इंटरनेट जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी उसमें खामियाँ आ जाती है सामने में कि जो बच्चे कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं, और मेरा मानना है कि उसके लिए क्लासरूम होना बहुत ज़रूरी है। भले इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ाया जाए तो भी बुराई नहीं है, परंतु मेरा ये कहना है कि जो इमोशन जो रहेगा इंटरनेट में, ऐसा होता है कि वो अपना स्टार्ट कर देगा, एक अपना वीडियो चालू कर देंगे, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, परंतु बच्चे को अगर कुछ बीच में कोई डिफ़िकल्टी आई या कुछ ऐसा हुआ तो उसमें वह बच्चा उतना उस हिसाब से वह प्रश्न का उत्तर या क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता, और न ही टीचर को ये मालूम पड़ता है कि कौन से बच्चे का ध्यान गया, कौन सा बच्चा वो ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं उनकी कोई, कभी कभी फेस रीडिंग से भी मालूम पड़ जाता है कि बच्चे का ध्यान बराबर नहीं है, ध्यान कहीं भटका हुआ है। तो अगर मैनुअल अगर अपन देखा जाए तो टीचर जब क्लास के अंदर रहता है तो उनका इन सभी बातों पर ध्यान जाता है, बराबर क्लास कंट्रोल में है कि नहीं है, बच्चे का हमारे ऊपर ध्यान है कि नहीं है, वो लिख रहा है या समझ में उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटरनेट के थ्रू तो वो सिर्फ समझने की कोशिश करेगा अगर वो खुद की लगन है, और उसमें अगर लगन नहीं भी है तो टीचर उसको अपग्रेड करके उसको लगन दिलवा के वह कार्य उससे करवा सकता है। सर अंत में मैं आप दोनों से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के शुभ अवसर पर, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, आज आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक तो अपने सबसे पहले तो अपने माता पिता की जो है वह इज्जत करना सीखें, क्योंकि आज का युग ऐसा हो गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो माता पिता से वह ढंग से बात नहीं करते, जबकि आज अगर बोला जाए कि टीचर्स डे तो सबसे पहले टीचर तो उनके माता पिता रहते हैं, तो पहले तो सबसे पहले अपने दोस्तों के बजाय वो सबसे पहले अहम जो है वह अपने दोस्तों को ऊपर में रखते हैं और माता पिता को उतनी इज्जत नहीं देते। पहले तो मैं चाहूँगा बच्चों को कि वह अपने माता पिता को ज़्यादा इज्जत दें और उसके बाद में अपने गुरुओं को भी, और गुरु और माता पिता दोनों एक ही इसमें हैं, तो वह अगर जो उनको सिखाते हैं तो हमारा फ़र्ज है कि उनकी बातों पर ध्यान देना और उनकी बातों को समझना और उनकी बातों को अपने जहन में अमल करना। मेरा ये कहना है कि सर्वप्रथम तो आज के बच्चों ने अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, अगर माता पिता की अगर नहीं है कैपेसिटी मोबाइल लेके देने की या गाड़ी लेके देने की तो उन्होंने इस प्रकार का जिद नहीं करना चाहिए। अंडर एज बच्चे रहते हैं जिनको गाड़ी चलाना भी अलाउ नहीं है, और मोबाइल ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि मोबाइल के बिना किसी का काम चल नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी को बिगाड़ने में बहुत बड़ा जो रोल है वो मोबाइल जो आजकल चल रहे हैं या नेट की जो सुविधा चल रही है उसका वे सदुपयोग न करते हुए उसका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहिए, और शिक्षक लोग जो उनको ज्ञान देते हैं या जो उनको गाइडेंस देते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।